सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, देश के वीर जवानों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, सारे भारत के लिए गौरव का पल था। कांग्रेस पार्टी उसको भी नहीं पचा पाई। अब मुझे समझ आता है कल के कांग्रेस के नेता के बयान सुनकर के मैं कल्पना कर सकता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक के प्रति भी उनकी नाराजगी का कारण क्या था। देश के वीर जवानों के पराक्रम, भारत की डिप्लोमेटिक ताकत, भारत की शिस्त, भारत का संयम, भारत का धैर्य पूरी दुनिया ने डोकलाम में देखा। चीन कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन धैर्य की कसौटी में भारत खरा उतरा। आज भारत के सामर्थ्य जिसको विश्व बड़े गौरवपूर्ण रूप से नजर कर रहा है, देख रहा है, तब यही कांग्रेस के लोग आए दिन डोकलाम के नाम पर झूठी खबरें प्रसारित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जो सत्ता पर इतने साल रहे, देश की जनता ने जिन पर इतना भरोसा किया, ये लोग ऐसे निकले इस सोच के पले बड़े थे। भाइयों बहनों, लग रहा था एक के बाद एक पराजय के बाद कांग्रेस पार्टी में कुछ समझदार लोग कांग्रेस को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं देख रहा हूं, एक के बाद एक वक्तव्य सुन रहा हूं, गैर जिम्मेवार व्यवहार देख रहा हूं, तभी लगता है कब कांग्रेस ने सुधरना नहीं ये तय करके लिया है। वरना पराजय से लोग सीखते हैं, समझते हैं, गलतियों को ठीक करते हैं, लेकिन इनका अहंकार सातवें आसमान पर है। देश की जनता से वो कट चुके हैं, देश की आशा आकांक्षाओं से छट चुके हैं, और इसी का परिणाम है कि आज इस प्रकार की भाषा बोली जाती है।